हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डुगू मामा ब्लॉग्स पर। तो आ गया है लेडीज़ का दिन, यानी कि करवा चौथ। करवा चौथ की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी करवा चौथ। तो ये है मेरी चूड़ियाँ, चूड़ा। तो अब मैं कर रही हूँ तैयार होने की तैयारी। तो ये देखिए, अब मैं पहन रही हूँ अपना चूड़ा। तो देखिए, मैं लग गई हूँ अपना चूड़ा पहनने के लिए। और यहाँ पे मैं ये क्लिप बनवा रही थी अपनी बिटिया रानी से, तो वो बार बार हिला रही थी, पर बना भी ली थी उसने। तो मैंने कहा बेटा थोड़ा सा बना ले, अच्छा लगता है ना जब मतलब करवा चौथ होता है, पूरे दिल से लेडीज़ तैयार होती है। वैसे तो ये हाँ होता तो आज के टाइम पर हर कोई तैयार, हम भी होते हैं, पर मतलब जो करवा चौथ है ना, तो उस पर मतलब एक अलग ही खुशी रहती है उस दिन की, तो बहुत ज़्यादा। तो देखिए, मैंने अपना चूड़ा पहन लिया है। तो देखिए, ये है मेरा हाथ, कैसा लग रहा है बताना ज़रूर कमेंट करके। तो ये है मेरी मेहंदी। मेहंदी मैंने इस बार सिंपल ही लगवाई है, ज़्यादा भारी नहीं किया है काम को, मतलब हल्का सा ही किया है। आजकल हल्की मेहंदी का भी ज़्यादा वो चल रहा है, मतलब भर के भी, जिसे जितनी पसंद है उतनी, मतलब पसंद के हिसाब से। वैसे मैं भी भर के लगाती हूँ, पर इस बार मैंने हल्की लगवाई है, तो मेरा मन था ऐसे ही सिंपल सा लगाना। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डुगू मामा ब्लॉग्स पर। तो आज है करवा चौथ। मेरी सभी माताओं को, बहनों को, भाभियों को, सभी लेडीज़ को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो करवा चौथ का दिन एक ऐसा है जो इस दिन लेडीज़ मतलब पूरे दिल से मतलब खुश होकर तैयार होती है, सारा काम करती है। तो देखिए, मैंने भी कपड़े तो पहन लिए, नहा वगैरह ली हूँ, घर का सारा काम हो गया है, डेढ़ बज गया है, डेढ़ बजे का टाइम हो गया है। तो अब हम होंगे तैयार, अपना मेकअप करेंगे। तो चूड़ी हमने पहन ली है, तो यह है मेरे चूड़ी। अरे देखिए मेरी रिंग कैसे लग रही है। और इस बार मैंने सिंपल सी मेहंदी लगवाई है, कुछ ज़्यादा भारी नहीं लगवाई है, क्योंकि इस बार मेरा सिंपल का मन था, ज़्यादा हैवी नहीं, हैवी बहुत लगवा ली इस बार, सिंपल सी करी है, तो अच्छी लग रही है सिंपल मेहंदी भी। और चलिए अब फटाफट से तैयार हो लेते हैं। और आप सबने कैसा करवा चौथ मनाया है, कैसे कैसे तैयार हुए, कितने मतलब क्या क्या करना है, मुझे बताना कमेंट करके ज़रूर। तो चलिए जी, अब फटाफट से तैयार होते हैं और तैयार होके आपसे बात करते हैं, आपको अपना पूरा लुक दिखाते हैं, मैंने क्या पहना हुआ है तो आपको दिखाऊँगी तैयार होने के बाद। तो चलिए जी, तैयार हो जाते हैं फटाफट से। तो देखिए फ्रेंड्स, ये लग गई थी मैं अपना मेकअप करने में, और ये मैंने थोड़ा सा फाउंडेशन लगाया और इसे ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूँगी। और ज़्यादा मैं कुछ नहीं लगाती हूँ, बस ये है कि जैसा कुछ खास होता है तब फाउंडेशन लगा लेती हूँ। तो ये देखिए, मैंने ये लगा लिया है फाउंडेशन। और आई मेकअप मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, आई मेकअप की रहती है मुझे कि हाँ आई मेकअप थोड़ा सा मतलब अच्छा सा आई मेकअप अच्छा लगता है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा मेकअप हो गया है पूरा, अब रह गई है मेरी ज्वेलरी पहननी। तो अब फटाफट से अपनी ज्वेलरी पहन लेती हूँ और बाल बनाने रह गए हैं, तो बालों में कंघी कर लेती हूँ, सिंपल से ही करूँगी, ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी बालों में। तो तैयार तो मैं हो गई हूँ, देखिए मेरा मेकअप, और मेरे से ज़्यादा मेरे बच्चों को लग रही है। ये देखिए, मैंने सुबह के तैयार कर रखे हैं, ये देखिए ने, ये इसे सबसे ज्यादा लग रही, इसे सबसे ज्यादा लग रही सुबह से तैयार होने की। चल गंदी बच्ची। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मेकअप तो हो गया था कंप्लीट, अब रह गई थी ज्वेलरी। तो ये है मेरी ज्वेलरी, ये मेरा गले का सेट है और ये मेरा मंगलसूत्र। तो अब अपनी ज्वेलरी पहन लेते हैं, फिर हमारा मेकअप हो जाएगा पूरा कंप्लीट, फिर हम हो जाएंगे तैयार, उसके बाद हम सुनेंगे कहानी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब फटाफट से ज्वेलरी पहन लेते हैं। तो देखिए, अब मैं पहन रही हूँ ज्वेलरी। तो देखिए, ये मेरे पीछे ना बालों में फंस गया था, तो पहनने में थोड़ा वो हो गया और बाल आगे आ गए, और फिर ये बाल पीछे जा भी नहीं रहे थे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने अपना सेट पहन लिया है और अब मैं अपना मंगलसूत्र पहन लूँगी। तो देखिए, मैं ना रोज़ गले में कुछ पहनती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पे नहीं पहनना जाता है, मुझे नहीं अच्छा लगता है, मतलब कि मुझे बस खाली गला अच्छा लगता है, मुझे चुभता है। और जैसे आज भी पहन लूँगी ना, शाम तक मैं पूरी परेशान हो जाती हूँ। पर यह है कि जैसा कुछ खास हो तो पहनना पड़ता है, और जैसे आज तो करवा चौथ है, तो आज तो मतलब सिंगार, एक मतलब कि वो है कि हाँ सिंगार आज के दिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सिंगार। तो सिंगार तो खैर,
तो देखिए ये मैंने पहन लिया है अपने कानों के झुमके, जो कि मतलब दिखने में तो है भी है ही, वैसे भी है भी है, पर इनमें मेरे कान दुख जाते हैं, पर अच्छा लगता है कभी कभी ऐसे पहनते हैं ना, अलग सा कुछ भारी सा तो अच्छा लगता है। तो ये मैंने पहन लिए हैं और मेरे को ना कानों में बिल्कुल भी नहीं पहना जा, पता नहीं मेरे कानों में क्या हो रहा है, नहीं पहने जाते हैं, पर आज पहन रही हूँ और शाम तक ही पहन के रखूँगी जब तक चांद नहीं निकलेगा। बीच में जब खाना वगैरह बनाऊँगी तब तो इन्हें निकाल दूँगी, नहीं तो फिर ज़्यादा हैवी हो जाता है काम। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हो गई हूँ मैं बिल्कुल पूरी तैयार। तो ये है मेरा गाउन जो है अपना, तो ये देखिए अब हो गए हम पूरे तैयार। तो अब सुनेंगे हम कहानी, तो आप ऐसे वीडियो में बने रहना। और टाइम हो गया है, पूरे 2 बज गए हैं, 2:15, तो इतने कहानी वगैरह सुनेंगे, इतने 3 बज जाएंगे और कानों में मेरे दर्द होना चालू हो गया है अभी से। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारे करवे, तो ये भरे जाते हैं पानी कर। इस बार माँ जी लेके आई थी, बिल्कुल सजे हुए थे ये, मतलब अच्छे से सजा रखा था इनका, पूरा वो कर रखा था, तो ये अच्छे लग रहे थे। पहली बार माँ जी ऐसे लेके आए पर अच्छे लग रहे, इस बार वहाँ सजा रखे होंगे ना, तो ये मैं देख रही थी, मैंने कहा देखो बहुत अच्छे लग रहे हैं ये इस बार। तो हर बार तो सिंपल से लाते हैं, और हमारे यहाँ इनमें पानी भरा जाता है करवे में, और इनके आगे भी ना गेहूँ रखा जाते हैं। तो देखिए कहानी सुन ली है हमने, अब कहानी सुन के ऊपर आ गया सूर्य देवता को जल देने के लिए। आज हमें कहानी सुनने में काफ़ी लेट हो गया था क्योंकि घर के काम में टाइम लग जाता है, और फिर आज मेरे बच्चे भी घर ही थे और मेरी किट्टू ने तो मुझे सुबह से बड़ा परेशान कर रखा है। तो मैंने दे दिया है सूर्य देव को जल, और मैं कर रही थी किट्टू की बात। किट्टू कह रही थी मम्मी जैसा आप करोगे ऐसे ही मैं करूँगी, जो भी आप करोगे। तो मैंने अपना लहंगा पहना तो उसने भी यही पहना कि मम्मी मुझे भी ऐसे ही पहनाओ, तो उसे यही पहनाया, उसे भी तैयार किया। कह रही मम्मी मेरा भी व्रत है, मैं भी जल दूंगी, तो उसने जल भी दिया और तैयार भी हुई। सारा काम उसने शाम तक वही किया जो मैंने किया। तो यहाँ पे हम अब जल देंगे, रहता है कि अपने बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है। तो यहाँ पे अम्मा जी के पैर भींच रहे हैं, और डुगू को भी काम इनका, डुगू तो भी तो ये तो भींचता ही है वैसे भी, तो भींच रहा है, मैंने कहा इसे आशीर्वाद दो। तो ये डुगू ले रहा है आशीर्वाद अपनी दादी का। तो देखिए किट्टू बना रही थी यहाँ पे वीडियो, उसने पूरा हिला रखा है और फिर पीछे चली गई थी, मैंने कहा बेटा आराम से एक क्लिप बना दे। तो उसके बाद देखिए घर में मैंने अपनी थोड़ी सी पूरी क्लिप ले ली, मतलब यहाँ पे अंधेरा टाइप तो आ रहा था पर बस मैंने थोड़ा सा बना लिया। तो देखिए ये है मेरा पूरा लुक, तो देखिए ये मेरा गाउन है। तो कैसा लग रहा है मेरा पूरा लुक, आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप सबने क्या क्या पहना था वो भी मुझे ज़रूर बताना। तो देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत फ़ोटो वगैरह खींची, अपनी वीडियो वगैरह बनाई, इंस्टा पे रील बनाई। उसके बाद मैं आ गई हूँ सीधा रसोई में, तो अब बनाने लग गई हूँ मैं खाना। तो खाने में छोले मैंने उबलने रख दिए थे, और ये मैंने टमाटर पे वो हरी मिर्च भून लिए थे, और उसके बाद मैंने ये पीस दिए हैं। तो ये देखिए छोले उबल गए हैं, और अब मैं फटाफट से सब्जी छोंक दूंगी, और साथ ही मैंने चावल भी भिगो दिए हैं। तो बाना जो निकलता है ना बायना, वो टाइम पे निकलना चाहिए, 5-6 बजे तक निकल जाना चाहिए। तो देखिए ये मैंने कर दी है सब्जी छोंकने की तैयारी, सबसे पहले अब छोले छोंकूंगी। तो ये मैंने छोले कर दिए हैं, छोंक दिए हैं, और सबसे पहले बनाऊंगी छोले की सब्जी। और तो देखिए ये मैंने छोले छोंक दिए, उसके बाद लग गई हूँ मैं अब दूसरी सब्जी बनाने के लिए। तो कढ़ाई चढ़ा दिया, कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया, उसमें जीरा डाल दिया है। तो अब मैं प्याज वूज वगैरह कुछ नहीं डाल रही हूँ क्योंकि आजकल मेरा प्याज लहसुन प्याज का फ्रेज चल रहा है। तो देखिए ये मैंने मसाला डाल दिया जो मैंने पहले ही पीस दिया था, तो इसमें डाल दिए हल्दी नमक अपने स्वाद के अनुसार, और डालूंगी इसमें मैगी मसाला। तो ये एक पैकेट मैगी मसाला डाल दिया है मैंने, और मैं क्या बना रही हूँ दूसरी सब्जी, वो है पनीर। तो दूसरी सब्जी पनीर बना रही हूँ। ये दूसरे पैकेट में ना मैंने छोलों में मसाला डाला था, ये थोड़ा सा बच गया था, वो मैंने इसी में डाल दिया है। तो चलिए अब फटाफट से इसे मसाले को अच्छे से भून लेते हैं जब तक इसका तेल ना निकले। तो देखिए फ्रेंड्स, मसाला भून गया है, मसाले ने तेल छोड़ दिया है, तो अब इसमें डालेंगे मलाई। तो ये मैंने मलाई डाल दिया, और मलाई डाल के हमें अपना मसाला घुमाते रहना है, घुमाते रहना है। अगर हम रोक देते हैं तो ये फट सी जाता है, थोड़ा अजीब सा हो जाता है मलाई की, थोड़ा वैसे ही वो हो जाता है। तो इसे घुमाते रहो ना, तो ये अच्छे से इसमें मिक्स हो जाता है और फटता भी, ऐसे भी नहीं होता है। तो देखिए ये अब भुन गया है, तो अब मैं इसमें डाल दूंगी मटर, और साथ ही डाल दूंगी पनीर भी। तो देखिए ये मैंने इसमें पनीर भी डाल दिया, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा ही बना रही हूँ, थोड़ मतलब कुछ छोले हैं थोड़ी सी पनीर की। आलू गोभी मैंने नहीं बनाई क्योंकि 2-3 दिन से हमारे यहाँ आलू गोभी बन रही है लगातार, तो आलू गोभी बनाने का मन नहीं था, तो इसलिए मैंने पनीर बना दिया। तो ये मैंने पानी डाल दिया, तो अब इसे पकने के लिए रख देंगे।
तो देखिए सब्जी मेरी दोनों बन गई थी और साथ में जब मैं पनीर बना रही थी तभी मैंने चावल भी बना दिए थे एक गैस पे। तो अब मैं बना रही हूँ हलवा और मैंने आटा भी गूंद दिया था। तो अब मेरा सिर्फ रह गया है हलवा बनाना और पूरी बनाना। तो देखिए फ्रेंड्स हलवा भी बन गया है और जब वो कर रही थी तभी मैंने पहले पेड़ी भी बना दिए थे, सारी लोई बना दी थी। तो अब मैं फटाफट से इन्हें पूरियों को बेल के और फटाफट से उतार लूँगी, फटाफट से पूरी बना लूँगी। तो देखिए जब उसके बाद में जब मैं खाने में लग गई थी ना, उसके बाद में बैठी नहीं हूँ, बिल्कुल खाने में लगी रही, फटाफट से खाना बनाती रही। तो ये है कि हाँ जल्दी बन गया था खाना, पर हालत हो गई थी ख़राब। शाम तक हो गया था बीपी डाउन, बहुत बुरे वाली हालत हो गई थी। जब तक चांद निकला तब तक तो पूरी बैटरी डाउन हो गई थी। तो देखिए खाना बना दिया है, अब माँ जी निकाल रही है अपना बायना, तो उसके बाद मैं निकाल लूँगी। पहले माँ जी निकाल रहे हैं और डुगू बैठा ही, डुगू यहाँ पे रुमाल से हवा कर रहा था तो उसे मना कर रहे हैं। तो देखिए बाहर हो गई है रात, मतलब दिन छिप गया है तो अंधेरा हो गया है। तो यहाँ पे माँ जी कर रहे थे पूजा। तो देखिए ये है मेरा आज का खाना जो कि मैं आपको बाद में दिखा रही हूँ। पनीर की सब्जी है, हलवा है, चावल है और ये है छोले। तो देखिए हमारा खाना आज का, जो हमारा आज का खाना है, और यह है मेरी पूरी। तो हमारा खाना बिल्कुल तैयार। ये मैंने अपने कानों के झुमके या निकाल के रखे हुए हैं स्लेब पे। तो देखिए फ्रेंड्स अब आ गई हूँ मैं अपना बायना निकालने के लिए। अब मैं पूजा करूँगी, बायना निकाल लूँगी। और क्योंकि किट्टू डुगू को भूख लग रही थी तो मैंने कहा जाओ पहले निकाल ही लेते हैं, आराम बाद में ही करूँगी, इन्हें भूख लग रही थी ये खा लेंगे। तो बेचारे आज सारा दिन हो गया ये घूम रहे और फिर रहे थे ना, तो ये पूरे थक गए। रात को डुगू कह रहा था मम्मी पैरों में दर्द हो रहा है, मेरे पैर भींच दो। तो देखिए फ्रेंड्स अब मैं पूजा कर रही हूँ और करवा माता से, माता रानी से पूजा करेंगे कि हमारे सुहाग को, हमारे बच्चों, हमारे परिवार में ऐसे ही सुख शांति बनाए रखना। तो अपनी कृपा बनाए रखना हमारे सुहाग पे। तो अब हम पूजा कर रहे हैं और हमारे के हर किसी का सुहाग ऐसे ही बना रहे, हर किसी के घर में ऐसे ही खुशियाँ बनी रहे। तो मैंने आखर डाल दिया है, तो अब मैं माता रानी के आगे हाथ जोड़ लूँगी और करवा माता से प्रार्थना कर लूँगी। तो देखिए जी ऐसे हमारे यहाँ करवा चौथ मनाया जाता है, ऐसे पूजा होती है। तो देखिए मैं पूजा करके थोड़ी सी यहीं बैठ गई थी आराम से, तो मुझे अच्छा लगता है ऐसे बैठना। है गेटू तेरा व्रत था आज? व्रत था कहीं का? करवा चौथ का। तो व्रत तो रात को खुलेगा भी 9-10 बजे जब चांद निकलेगा। अब फिर रोटी क्यों खा रही है अभी सही? चांद आएगा ऊपर है एक टुकड़ा खाया। हाँ खा ले कोई बात नहीं, भूख लग रही थी फिर खा के फिर बढ़ती रह लिए हैं, है ना? फिर अपनी मम्मी के साथ खोल लिए, है ना? फिर मेरे साथ खोल लिए है। हाँ क्या हुआ, कैसी हो रही सब्जी? ओ माय, तुझे कैसी लगी डुगू सब्जी? बहुत अच्छी लगी। चलो खा लो, आगे थे बाबा इसे मटकी को देखेंगे, घूम के भी दिखा मटकी। तो देखिए फ्रेंड्स अब तो मेरी हालत हो गई थी पूरी ख़राब, आंखों में भी पूरा दर्द हो रहा था, सिर में भी पूरा दर्द हो रहा था क्योंकि मेरा बीपी लो हो जाता है, मेरे पे बिना नमक के नहीं रहा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स अब निकल गया है चांद, तो आ गए हैं हम चांद को अर्घ देने के लिए। तो जो ये हम पानी रखते हैं ना करवे में भर के, तो ये हम शाम को देते हैं चांद चंद्र देवता को। तो ये आ गए हम अब देने के लिए, तब यहाँ पे हम चांद की पूजा कर लेंगे, चांद को जल चढ़ा देंगे, उसके बाद अपना व्रत वगैरह खोल लेंगे। तो देखिए ये जो हम जब कहानी सुनते हैं ना तो ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं ना, अर्क, हाँ ऐसे ही बोलते हैं। तो ये हम अब चांद को दे देते हैं, वो कर देते हैं, सला देते हैं। तो वो कर रहे थे, माँ जी भी कर रही थी, मैं भी कर रही थी। तो देखिए हमारी हो गई है चांद देवता की पूजा। तो ये मैंने छत पे से ना, ऊपर छत पे चढ़े थे हम, वहाँ से गाँव की थोड़ी सी वीडियो बना ली है। तो देखिए पूरा अंधेरा अंधेरा हो रहा है,
तो देखिए अब आ गई हूँ मैं घर, और घर आके मैंने नीचे आके सबसे पहले मैंने अपने कपड़े चेंज किए, उसके बाद खाना गरम किया, और अब हम व्रत खोलेंगे। तो माँ जी भी खोल रहे थे, मैं भी अपना व्रत खोलने लग गई थी, और खाना खा के बड़ा आराम मिला। मैंने थोड़ा सा हलवा खाया, उसके बाद सब्जी तैर मतलब सब्जी खाई, बहुत आराम मिला। तो देखिए फ्रेंड्स अब हो गया है मेरा सारा काम ख़त्म, मैंने अपना चेहरा भी मतलब मुंह भी धो लिया है, तो अब मतलब पूरा मेकअप वगैरह सब कुछ उतार लिया है, मुझे तभी आराम मिलता है, मेरे पे मेकअप में नहीं रहा जाता है। तो मेरे किट्टू डुग्गू तो सो गए हैं, तो अब मैं भी सोऊंगी। मैंने सोचा लाओ वीडियो का एंड कर दूंगी, और आज का वीडियो में मेरा थोड़ा सा लंबा हो गया है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, आज के लिए सॉरी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। बाय, मिलते हैं।